नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आप मेरे पीछे एक बड़ा सा विशाल पत्थर देख पा रहे हैं। ये दीर्घ गोलाकार पत्थर है और ये सदियों से इसी स्थिति में यहाँ पर बना हुआ है। जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपके मन में सवाल ज़रूर आएगा कि पत्थर ऐसे क्यों टिका हुआ है, ये पत्थर कब से टिका हुआ है और किस प्रकार के ये पत्थर है कि एक छोटे से स्थान में ही अपने विशाल आकार को समावेशित करते हुए बिल्कुल गुरुत्व केंद्र, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि हर चीज़ ऊपर है तो नीचे की ओर आती है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण नियम को भी कैसे धक्का बताते हुए एक जगह पर अनवरत अनिश्चित काल से सदियों से इसी तरीके से बना हुआ है। और ये जबलपुर का एक विशेष स्थान है। जबलपुर में आने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जबलपुर वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले लोग भी इस पत्थर को देखने के लिए आते हैं। इसको कहा जाता है बैलेंसिंग क्रॉक। भैया, आप लोग से बातचीत हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। इस जगह पर आप आए हैं, जो भी थोड़ा बहुत आप बता सकें तो थोड़ा सा। तो नए हैं तब भी, आपका नाम क्या है? नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए हैं? बिछिया से। बिछिया से आए हैं, पहली बार इस जगह पर आए हैं? हाँ। ये बैलेंसिंग रॉक के बारे में कैसे सुना, कैसे जाना? नहीं, बस भाई लोग लेकर। अच्छा, भाई लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभी महाराजी है। आप भी जबलपुर के हैं या फिर? जबलपुर का हूँ मैं तो। ये बैलेंसिंग रॉक जो है तो कितने बार आ चुके हैं यहाँ? हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। क्या विशेषता है इस जगह की? लोग क्या चीज देखने के लिए आते हैं यहाँ? तो बहुत सी चीज है वैसे घूमने के लिए। ये पत्थर हो गया, ऊपर किला है, शारदा माता मंदिर है, फिर उसके पीछे दरगाह है। क्या लगता है कि ये जो पत्थर है कितने साल से जो तो ऐसे ही रखा हुआ है? बहुत सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। गिर क्यों नहीं रहा है? कभी मन में ख्याल आया कि आखिर ये पत्थर गिर? ख्याल तो आया, बाकी आप आ जाइए। इसके नीचे से धागा आर पार निकल जाता है, बाकी तू भी नहीं करता वो। अच्छा, सब कुदरती देन है कि माई की। पूरा धागा निकल जाता है इस बार से उस पार तक? हाँ, पूरा। ये एक आप नई चीज हमें बता रहे हैं कि इसके नीचे से अगर हम धागा निकालना चाहे तो इस पार से उस पार हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पत्थर जस का तस टिका हुआ है और हजारों सालों से ये इसी स्थिति में है। एक चीज जरूर है कि ये जो पत्थर है, ये सारे के सारे पत्थर इसी तरीके के हैं। इन पत्थरों को जब हम आप देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि जैसे पुराने किले जो बनाए जाते थे चूने के गारे से जो बनाए जाते थे, तो ये उसी तरीके का दिखाई देता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि बालू के कण दिखाई देते हैं और ये बालू के कण इन्हीं पत्थरों के अपरदन से, इन्हीं पत्थरों के विघटन से निकलते हैं। जो ये पत्थर होते हैं जब बारिश होती है, जब हवा चलती है या फिर और किसी कारण से जब टूटते हैं, तो उन्हीं के टूटन की वजह से ये बालू पैदा होती है। तो एक चीज़ हम इस बैलेंसिंग रॉक के बारे में ये बता सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एक विशाल पत्थर पहले रहा होगा, लेकिन हवा, पानी और विभिन्न जलवायु परिवर्तनों के कारण, विभिन्न परिस्थितियों के कारण ये पत्थर धीरे धीरे विघटित हुआ होगा और विघटित होते होते सिर्फ उतना ही स्थान शेष बचा जहाँ पर वो अभी बैलेंस पूरी तरीके से है। इसका सीधा सा आशय ये है कि शायद इसके आकार में निरंतर थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा होगा, थोड़ी सी कमी हो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आश्चर्यजनक ढंग से इसी जगह पर सदियों से टिका हुआ है और यहाँ पर लोगों के देखने का एक प्रमुख स्थान है और लोगों के आश्चर्य का एक प्रमुख केंद्र है कि कैसे इतना विशाल पत्थर एक ही जगह पर सदियों से टिका हुआ है। और इसके टिकने के स्थान की बात करें तो बहुत ही छोटी सी जगह है जिस जगह पर ये पत्थर रखा हुआ है और हवा, पानी और बहुत सारी परिस्थितियाँ, यहाँ तक कि कई बार जबलपुर में भूकंप भी आया और शायद ये क्षेत्र भी भूकंप के झटके सहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये पत्थर गिरा नहीं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर इस पत्थर के सिवा देखने लायक और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना प्रसिद्ध पत्थर है, ये बैलेंसिंग रॉक इतनी प्रसिद्ध जगह है कि जबलपुर के साथ साथ देश भर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए, देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये घूमने का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान कहा जा सकता है। Thank you.
यहाँ पर हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो शायद जबलपुर घूमने के लिए आए हैं और बैलेंसिंग रॉक पे यहाँ पर इस स्थान पे मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत करते हैं हम आप सभी लोग का। ये बैलेंसिंग रॉक है, कहते हैं कि हजारों साल से जो है तो ये इसी स्थिति में टिका हुआ है। क्या लगता है कि क्या कारण है इसके इस तरीके से रहने का? कुदरत का करिश्मा जी। ये अद्भुत, अपने आप में एक अद्भुत चीज है कि इतनी बड़ी चट्टान जी अपने आप बैलेंस करके इतने समय से खड़ी है जी, और अपनी जगह से हिली भी नहीं है जी, और विज्ञान भी इसके सामने फेल है कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी हम एक लोग से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर इसके बीच से धागा गुजारते हैं दोनों पत्थरों के बीच से तो धागा गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पत्थर जस का तस टिका हुआ है। भूकंप भी आया पिछले 2-4 साल पहले, 2018 में भूकंप भी आया था, उसके बाद भी ये पत्थर ऐसे का ऐसा बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें ये कुदरत का ही करिश्मा कहा जाएगा जी, क्योंकि ये चीज़ हम यदि यहाँ पे आके देखे नहीं होते तो कभी यकीन नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है जी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको भी ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार है जी। कहाँ से आए हैं आप? जब नागपुर से आए हैं। नागपुर से आए हैं तो जबलपुर घूमने के उद्देश्य से या फिर अन्य किसी कारण से? नहीं, घूमने के उद्देश्य से ही आए। तो कौन कौन सी जगह है जबलपुर में घूमने लायक है या कौन सी जगह है आपने अभी तक जबलपुर में घूमी? हम देखिए, पहले तो मैहर घूमे हैं, मैहर अच्छा। दर्शन करके आए देवी माँ के जी। उसके बाद में यहाँ भेड़ाघाट में घूमे जी, और फिर अभी ये बैलेंसिंग रॉक। इसका हमने सुना था, देखा भी था, लेकिन आज देख के यकीन हो गया कि वाकई में ऐसा भी करिश्मा हो सकता है, और ये नेचर का ही करिश्मा और कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और इस जगह पर जो सारे के सारे पत्थर हैं लगभग एक ही प्रकार के पत्थर हैं, और यहाँ नीचे हम बालू देख पा रहे हैं। ये पत्थर जो है तो अपरदन की वजह से, विघटन की वजह से इस परिस्थिति में आया है, और हो सकता है कि कभी भूकंप वगैरह हो, क्योंकि हम ऊपर जो ये स्थान है वहाँ पर इसी प्रकार के पत्थर देख पा रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो तो हर चीज नीचे की तरफ नीचे आनी चाहिए, लेकिन ये पत्थर नीचे नहीं आ रहा है। वही चमत्कार है जिसको आज साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया, अभी तक के साइंस ये नहीं बता पाया। साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये क्यों नीचे नहीं आ पा रहा है। एक लाइन की सीधी सी बात है कि ये कुदरत का चमत्कार। एग्जैक्टली, कुदरत का चमत्कार ही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। इससे पहले आपने इस बैलेंसिंग रॉक के बारे में पढ़ा था, सुना था क्या? सुना, हाँ सुना था ना आपने? हाँ सुना था, गूगल पे थोड़ा देखा था। तो आज आपने देखा जो है तो कितना सही पाया और कितना जो है तो गलत पाया उस चीज को? हम तो काफी शौक थे, पहले हम यहाँ आने से पहले हंस रहे थे कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है क्या देखना जी। लेकिन यहाँ आके देखा तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, अट्रैक्टिव है जी। और साइंटिफिक, अगर आप साइंस से आती हो तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हर चीज नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर ये पूरा का पूरा पत्थर रखा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? बस यही कि कुदरत का करिश्मा है और क्या। और इस जगह पर इस पत्थर के अलावा कोई दूसरी चीज घूमने लायक है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में प्रतिदिन जो है तो लोग यहाँ पर आते हैं देश भर से और इस पत्थर को देखते हैं और यहाँ पर रह करके जो है तो इस जगह का आनंद लेते हैं। इसके साथ और कौन सी जगह जाने का प्लान है आपको? फिलहाल तो और कुछ नहीं, अगली बार देखेंगे। जबलपुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी जगह है और घूमी जा सकती है? जबलपुर खूब बहुत ही खूबसूरत सिटी है और बार बार यहाँ आने का मन करता है जी। जबलपुर में बहुत से ऐसी जगह है जो अभी हमने देखी नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम प्लान बना के जरूर आएंगे। लगभग कितने दिन का टूर बनाना चाहिए? अभी तो हम सिर्फ 2 दिन के टूर पे आए थे, तो उसमें एक दिन हमारा मैहर गए थे, तो एक दिन पूरा मैहर में ही बिताया हमने, और जबलपुर में सिर्फ हम आज का दिन ही रुक पाए जी। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कम से कम हफ्ते भर का प्लान बना के आएंगे। चलिए, आप लोगों ने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने उस एंगल से देखा क्या वहाँ पे खड़े हुए? तो हमने बैलेंसिंग रॉक के बारे में यहाँ पर्यटकों से बातचीत की और जाना इस पत्थर की विशेषता के बारे में। इस पत्थर को यहाँ के लोग कुदरत का चमत्कार कहते हैं, सीधी सी एक लाइन में, जहाँ विज्ञान भी अपने नियमों को भूल जाता है, जहाँ विज्ञान इस पत्थर में गुरुत्वाकर्षण के नियम ना लगने की वजह को आप आज तक खोज नहीं पाया है। तो एक लाइन में सीधी सी बात है कि कुदरत का चमत्कार, कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।